Hello students, hope you all are doing good. So today I am back with the new phylum, phylum Nematoda, or the other name for this phylum is phylum Ascalmentis, commonly called roundworm, found just about everywhere. So is phylum ki visheshta hai ki wo thread saman dikhta hai, yani dhage saman dikhta hai. और उसका कॉमन नेम जो होता है उसको राउंड वर्म कहलाया जाता है और ये कहीं पे भी आसानी से दिख जाता है. इसके जो एग्जाम्पल्स है वो एस्करिस, पीन वर्म, हुक वर्म, ट्राइचाइना वर्म एंड फाइलेरियल वर्म. ये टू कैटेगरीज में होते हैं, एक तो फ्री लिविंग होते हैं और दूसरे पैरासिटिक होते हैं. तो ये जो पैरासिटिक होते हैं, यानी ये किसी होस्ट के अंदर होते हैं. होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है. जब ये कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स को सक करता है उसे पैरासाइट कहा जाता है. ये एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट दोनों भी होते हैं. These animals are either free living or endoparasite. Free living animals are either aquatic or terrestrial. अभी endoparasite means जो parasite, जो organism दूसरे के body के अंदर जाके उसके nutrients को जब वो absorb कर लेता है और उस पे ही अपना पूरा life cycle पूरा करता है, आ जाता है. These animals are either free living or endoparasite. Parasite दो प्रकार के होते हैं, endoparasite and ectoparasite. Parasite mostly जो कि दूसरे organism के अंदर जाके वो उसमें के सारे nutrients को वो suck करते हैं या absorb करते हैं. ये aquatic भी होते हैं जो कि पानी में भी देखे जाते हैं और जमीन पे भी, यानी कि वो terrestrial भी होते हैं. इनकी जो बॉडी होती है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी तीन जर्म लेयर में हमको देखने मिलती है जो कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. बट इसमें विशेषता ये है कि मेसोडर्म ये बहुत अच्छी से डेवलप नहीं होता है. इसमें सुडोसिलोमेट होता है, यानी फॉल्स सिलोम. सिलोम का मतलब होता है कैविटी, जो कि इसमें अच्छे से डेवलप नहीं हुई रहती है. ये बायलैटरल सिमेट्री है. अगर इस ऑर्गेनिज्म को हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहे सो वी कैन डिवाइड दैट ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स बायलैटरल सिमेट्री. देयर बॉडी इज नॉन सेगमेंटेड, जिसके ऊपर से जो लाइंस दिखती है वो इसमें नहीं होती है, तो इसी वजह से इसे नॉन सेगमेंटेड कहा जाता है. इसकी जो बॉडी बाहर से जो कवर होती है वो टफ क्यूटिकल से, जो स्किन की ऊपर की जो लेयर होती है वो टफ होती है. ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाता है, यानी अलग ऑर्गेनिज्म में मींस जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स. एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स पाया जाएगा, आइदर इट इज मेल सेक्स और द फीमेल वन, एंड दैट इज व्हाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिसेक्सुअल. इफ फाइंड टू डिफरेंट मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम अगर इनकी बॉडी के पार्ट को देखते हैं सो दे हैव माउथ, जेनाइटल अपर्चर, होल एंड टेल. अगर हम यहाँ पे फीमेल एस्करिस और मेल एस्करिस को देखते हैं तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है कि मेल एस्करिस ये फीमेल से शॉर्टर है. उसकी लेंथ जो है या लंबाई है वो कैसी है, छोटी है. किसके कंपैरिजन में, फीमेल एस्करिस के कंपैरिजन में.
male ascaris has a curved posterior end look like. उसका जो posterior, अगर उसका आखिरी का जो टोक जो है, अगर हम देखते हैं टेल की साइड में, तो वो हुक समान हमको देखने मिलता है और इट इज कर्व टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. फीमेल एस्करीज इज लॉन्गर एंड थिक. जो फीमेल एस्करीज होता है वो मेल से कैसा है, लंबा है और थोड़ा मोटा है. बॉडी इज स्ट्रेट एज कंपेयर टू द मेल एस्करीज. मोस्ट कॉमन निमेटोड पैरासाइट इन ह्यूमन होते हैं ये मोस्टली पीन वर्म्स जो होते हैं या हुक वर्म्स जो होते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग. ये ह्यूमन में एंटर करने का जो रास्ता होता है दैट इज द माउथ. अगर हम हमारे गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो, या कुछ भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो एस्करीज हमारे बॉडी में, पर्टिकुलरली दे एंटर इन टू अवर इंटेस्टाइन, और वो इंटेस्टाइन को अंदर से डैमेज करते हैं. एंड इवन दे कैन फाउंड इन द प्लांट्स. प्लांट्स में भी ये पैरासाइट रूट्स में जाके वहाँ पे भी ये हमको देखने मिलते हैं. दीज पैरासाइट्स आर इवन फाउंड इन द एनिमल. अगर ये एनिमल का ये जो इंटेस्टाइन का अंदर का पार्ट दिख रहा है, ये ऐसे ग्रुप में, बल्ज में हमको वहाँ पे देखने मिलते हैं. Specially, these ascaris are found in the intestine of human or the animals, and so they have the intestinal. The ascaris, they are also called intestinal worm because they are mostly found in the intestine, and that's why the symptoms like abdominal pain, severe diarrhea, and anemia. सो ये जो पेट में दर्द है, एब्डोमिनल पेन है, सीवियर डायरिया यानी लूज मोशंस है, और एनीमिया यानी खून में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, क्योंकि दीज वर्म्स दे एब्जॉर्ब और दे सक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, एंड दैट इज व्हाई ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट द पर्सन मे हैव द एनीमिया. मीन्स lack of nutrients or lack of blood. जो Hb होता है हमारे blood में, hemoglobin होता है, या जो भी nutrients हमारे body में होना चाहिए वो नहीं होते हैं, और उस वजह से इंसान को कमजोरी महसूस होती है, and that's why they are called anemic. Hookworm जो इंसान की body में ऐसे type का देखने मिलता है, जब वो body में enter करता है तो वो ब्लड को सक करता है, एंड सो द पीपल मे फेस सम इश्यूज. सो द प्रिवेंटिव मेजर इज दैट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स विद द सोप एंड वाटर प्रॉपरली बिफोर ईटिंग और कंज्यूमिंग एनी फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द बाथरूम. अगर आप बाथरूम का यूज करते हैं तो आपको अपना हाथ पहले बाथरूम से आने के बाद में साफ करना है पानी और सोप से, और कुछ भी हम खाना खाते हैं तो उसके पहले हमको अपने हाथों को अच्छे से साफ करना है. दिस पीक व्हेन दे ईट कंटामिनेटेड फूड और वाटर, दे दिस टाइप ऑफ एस्करीज दे कैन बी फाउंड इवन इन द एनिमल्स. पीनवर्म ये बहुत कॉमन जो निमेटोड है ये ह्यूमन में देखा जाता है. फाइलेरियल वर्म्स कॉज एलिफेंटाइटिस बाय क्लॉगिंग लिफ नोड्स सो दे कांट ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम द लिम्ब. जो आपने कई इंसानों को देखा होगा कि उनके पैर हाथी समान दिखते हैं, तो ये फाइलेरियल वर्म के वजह से होता है, जो कि लोअर लीम में यानी हमारे पैरों में ये इस टाइप का ये डिसीज देखने मिलता है, जिसको एलिफेंटाइटिस भी बोला जाता है, और इवन ये कई कई लोगों के हाथ में भी पाया जाता है. एंड है तो एलिफेंटाइटिस, जिसको हाथी रोग भी बोला जाता है, जिसमें इंसान के पैर में हाथी समान पैर सूज जाते हैं, इवन हाथों में भी ये पाया जाता है,
बट इसको ठीक करने के लिए बहुत समय लगता है और कभी कभी ये ठीक भी नहीं होता है। ये इंटेस्टाइन का अंदर का पिक्चर है जो कि एस्करिस जब इंटेस्टाइन में एंटर होता है, सो दैट कैन बी सीन इन दिस वे। आंखों में भी आई वर्म, जिसको लोआ लोआ कहते हैं, वो आई वर्म के नाम से कहलाया जाता है और व्हेन इट एंटर्स इन द आईज इट कैन बी सीन इन दिस टाइप। इन द एनिमल आई। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। These animals show bilateral symmetry and are triploblastic, mean have three germ layers. इसमें तीन germ layers होती है, ectoderm, endoderm and mesoderm. They are cylindrical in shape. वो cylindrical shape होता है, pipe समान shape में रहता है. They have pseudocoelom, जिसमें false coelom होता है या coelom समान cavity जो दिखती है वो clearly develop नहीं होती है. They have tissue level of body design, जिसमें body parts different parts में divide होते हैं. They are mainly parasitic in nutrition. ये parasitic होते हैं, दूसरे के body के अंदर रह के वो nutrients को suck करते हैं या absorb करते हैं. Common examples are Ascaris and Wuchereria. These are some facts about nematodes. So hope you have understood. See you later with the new phylum. Till then, thank you and bye.